हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। आशीष सर, मैं हूं आशीष, और इस सेशन के थ्रू हम जानेंगे 10 ग्रामर के रूल्स। जी हां, आज के न्यूज़पेपर द हिंदू से हम 10 ग्रामर के रूल्स सीखेंगे। आप नोटबुक और पेन के साथ तैयार रहिएगा। जो भी रूल आपको लगता है कि हाँ ये रूल मुझे पहले से नहीं पता था, उसको आप नोट कीजिएगा। यदि ये सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, ताकि मैं इस तरह के सेशंस और आपको प्रोवाइड करवाऊँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि पहला वीडियो है हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि आगे के वीडियोस भी आपको मिलते रहें। इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही आशीष क्लासेज ऐप का लिंक भी दिया है, और आशीष क्लासेज ऐप पर हम एक नया कोर्स हमने लॉन्च किया है। ओल्ड वीडियोज़ की डिमांड काफ़ी दिनों से थी, कि पुराने वाले जो एडिटोरियल्स हैं, जो मिस कर दिए थे किसी ने भी, या किसी ने कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है, ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है। 10 जुलाई से लेकर और 18 अगस्त तक, अभी जो इन स्टूडेंट्स ने B14 में एडमिशन लिया है, 10 जुलाई से 18 अक्टूबर तक के जो वीडियोज़ हैं, जो एडिटोरियल्स हम आपको मिलेंगे, 75 सेशंस आपको मिलेंगे। एक सेशन में हमने 2 एडिटोरियल्स डिस्कस किए थे, तो 150 एडिटोरियल्स का सॉल्यूशन वहाँ पे मिलेगा। उन्हीं के सामने उसका PDF प्रोवाइड करवाया गया है, और इसके लिए केवल आपको 99 रुपीज़ पे करने हैं। वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम रहने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिस टाइमिंग में फ़ोन कर सकते हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे दिया है। साथ ही B15 बैच भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो नेक्स्ट वेंसडे से होगा। 199 में आप 3 मंथ्स में 75 वीडियोज़ प्राप्त करते हैं। बस फर्क ये है कि ये आपको प्रतिदिन मिलता है, जो आपका न्यूज़पेपर मीन्स आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहते हैं उस न्यूज़ को देखकर कि हाँ आज का न्यूज़पेपर है। बाकी वो वीडियोज़ हैं वो पुराने वीडियोज़ हैं, तो पुराने वीडियोज़ से इंग्लिश तो डेफिनेटली सीख ही सकते हैं, तो ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसे ग्रैब कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेशन की। सबसे पहली स्लाइड में देखिए आप क्या सीखते हैं। यहाँ पर पहली स्लाइड आपको कह रही है डेली विल कम टू हाल्ट। हाल्ट का मतलब है रुक जाना, तो डेली जो है वो रुक जाएगी। कब? इफ बिहारीज स्टॉप वर्किंग, यदि बिहारीज लोग काम करना बंद कर दें। ये तो है इसका ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन मुझे करना ही है, क्योंकि न्यूज़पेपर में ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत रखता है उन स्टूडेंट्स के लिए हु आर फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, है ना, तो उनके लिए बहुत जरूरी है ट्रांसलेशन। तो डेली रुक जाएगी यदि बिहारीज काम करना बंद कर दें। यहां जो रूल आप सीख सकते हैं वो है स्टॉप के साथ क्या लगता है, तो स्टॉप के साथ जेरंड का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी बार आपने टीचर से ये कहते हुए सुना हो स्टॉप राइटिंग, स्टॉप मेकिंग नॉइज, स्टॉप टॉकिंग, तो ये सब शब्द हैं जो ये जो एग्जांपल्स हैं वो आपको बताते हैं कि स्टॉप के साथ आपको ING प्लेस करना है। स्टॉप के साथ साथ एक और आप नोट कर सकते हैं कि स्टार्ट के साथ भी ऐसा ही होता है। स्टार्ट के साथ भी ING, ठीक है, जैसे कि स्टार्ट रनिंग, स्टार्ट टॉकिंग, स्टार्ट स्पीकिंग, इस प्रकार से आप स्टार्ट के साथ भी ING लगा सकते हैं। तो पहला रूल हमने क्या डिस्कस किया, स्टॉप या स्टार्ट के साथ आपको जेरंड का प्रयोग करना है, नोट दिस डाउन। चलिए बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 में है, सबसे पहले बता दूं मैं इसका ट्रांसलेशन क्या है, थोड़ा लंबा ही पैराग्राफ है, बात कर लेते हैं। बढ़िया बात है कि ट्रांसलेशन भी इस सेशन के थ्रू आपको सीखने को मिलेगा। द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, लड़ाई, रेज्ड बाई द जजमेंट्स, वो संघर्ष, वो कॉन्फ्लिक्ट जो कि रेज हुआ। रेज का मतलब क्या होता है, उठाना। तो कॉन्फ्लिक्ट किसके द्वारा उठाया गया, जजमेंट्स जो आए, जो निर्णय आए 2014 और 2018 के, उसके कारण वो कॉन्फ्लिक्ट जो रेज हुआ था, वॉज फाइनली रेफर्ड टू ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। वो अंततः, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म तो पैसिव होता ही है, फाइनली एडवर्ब है, जो अंततः रेफर कर दिया गया, भेज दिया गया किसके पास, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास। एंड द केस वॉज टेकन अप, और इस केस को लिया गया, अपनाया गया, टेकन अप का मतलब ले लेना, स्वीकार करना, बाई ए बेंच, उस बेंच के द्वारा, लेड बाई देन CJI, जो उस समय के CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे दीपक मिश्रा, उनके द्वारा। एंड देन, और फिर, आफ्टर ए पॉज, पॉज का मतलब होता रोकना, थोड़े समय के पॉज के बाद, लिस्टेड बिफोर अ कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर 5 जजेस, इसको लिस्टेड किया गया 5 और अन्य जो 5 जजेस थे उनके कॉम्बिनेशन के सामने, लेड बाई CJI रंजन गोगोई, और इसको लीड किसने किया, CJI रंजन गोगोई ने। एक बार मैं ट्रांसलेशन फिर कर देता हूँ इसका, ताकि आपको समझ में आए कि ये पूरा मामला क्या है, आज ही के न्यूज़पेपर से है। उसके बाद बताऊंगा मैं कि कौन सा ग्रामर का रूल यहाँ पे सीख सकते हैं आप। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि जो जजमेंट्स आए थे 2014-2018 में, उनके द्वारा जो कॉन्फ्लिक्ट रेज हुआ, उस कॉन्फ्लिक्ट को मतलब अंततः रेफर कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को, कि भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसको सुलझाए, और ये जो केस है उस बेंच के द्वारा लिया गया, जिसके अध्यक्षता की CJI दीपक मिश्रा ने, जो कि उस समय के CJI थे, और उसके बाद थोड़े समय के रुकावट के बाद में इसको एक और 5 जजेस के द्वारा, 5 जजेस की बेंच थे उसके सामने रखा गया इस मामले को, और इसको फिर लीड किया CJI रंजन गोगोई ने। बात रही कौन सा ग्रामर का रूल था यहाँ पे,
तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन का रूल कि रेफर के साथ टू आएगा, किसको आपने रेफर किया है, किसके पास आपने भेजा है, उसके लिए टू का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट रूल हमने सीखा स्टॉप या स्टार्ट के साथ जेरेंड का प्रयोग करेंगे। सेकेंड थिंग हमने सीखी कि रेफर के साथ में टू का प्रयोग किया जाना है। टू थिंग्स वी हैव लर्न्ड वेल। तीसरे स्लाइड की बात करें तो तीसरा यहाँ पे आप क्या सिखाता है देखिए। पहले आप समझिए कि जो ये हाईलाइटेड है उसका मतलब क्या है। तो ये कह रहा एयर वैसे सिमुलेशन है, सिमुलेट का मतलब एक रूपता होती है, अनुकरण करना होता है। एयर क्वालिटी ड्यूरिंग दिल्ली इज लाइकली टू बी नॉट एज बैड एज लास्ट ईयर सेड SAFAR सफर। ये कोई नाम है कैपिटल में दे रखा है। कहना क्या चाह रहा है, एयर क्वालिटी जो वायु की गुणवत्ता है ड्यूरिंग दिवाली, दिवाली के दौरान इज लाइकली टू बी, उसकी संभावना है, लाइकली का संभावना होना, टू बी नॉट एज बैड एज लास्ट ईयर, उतनी बुरी नहीं रहने की संभावना है जितना कि पिछले साल रही थी। ये बात सैफर ने कही। ये तो है इसका ट्रांसलेशन, ठीक है। एयर क्वालिटी जो दिवाली के दौरान है उसकी संभावना ये नहीं है कि उतनी खराब रहेगी जितने की लास्ट ईयर रही। यहाँ मैं सिखाना आपको ये चाह रहा हूँ कि एज और एज के बीच में आपको डिग्री जो है पॉजिटिव लगानी है। बैड यहाँ पे डिग्री पॉजिटिव है, तो एज एज या सो एज इनके बीच में आपको डिग्री कौन सी लगानी है, पॉजिटिव। कौन सी नहीं लगानी है, तो कंपैरेटिव नहीं लगानी है और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग भी नहीं करना है। एक और बात आप यहाँ पे सीख सकते हैं कि डिग्री पॉजिटिव है, इसको उल्टा भी ले लीजिए कि डिग्री पॉजिटिव है वो एज एज या सो एज के बीच में ही आती है। ये टू थिंग्स आप यहाँ पे सीख सकते हैं इस स्लाइड के माध्यम से। तो तीन चीज़ें हमने अब तक सीखी हैं। नंबर फोर की ओर मूव करते हैं। नंबर फोर में देखिए फिर से एक पैराग्राफ आपके सामने, इसका पहले मैं बता देता हूँ कि ट्रांसलेशन क्या है। अ थ्री टाइम MLA, तीन बार के MLA फ्रॉम कालकाजी, ये जगह का नाम है। मिस्टर चोपड़ा वॉज फर्स्ट इलेक्टेड, मिस्टर चोपड़ा को पहली बार इलेक्ट किया गया एज ए मेंबर ऑफ द दिल्ली असेंबली, किसका, दिल्ली विधानसभा के सदस्य के रूप में इन 1998 में, एंड रिटेन इज सीट इन 2003 एंड 2008। रिटेन का मतलब क्या होता है, बनाए रखना। कुछ वर्ड्स भी यहाँ पे सीखेंगे वो भी जरूर नोट कीजिएगा। और उन्होंने अपनी सीट को बनाए रखा, मीन्स इस पद पर रहे 2003 में भी और 2008 में भी। अब देखिएगा कि यहाँ पे सीखना क्या है। पहले मैं ट्रांसलेशन पूरा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मुद्दा क्या है। तीन बार के जो MLA रहे हैं कालकाजी से मिस्टर चोपड़ा, उनको दिल्ली असेंबली का सदस्य पहली बार इलेक्ट किया गया था तो 1998 में, और अपनी सीट को इन्होंने रिटेन किया था 2003 और 2008 में। सीखना आपको यहाँ पे ये है कि जहाँ भी ये देखिए साइन आ जाएगा, इस साइन को बोलते हैं हाइफन। ये वो रूल्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो हर दिन हम न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान डिस्कस करते हैं। ये वो रूल्स हैं जो आपको बार बार में कॉमन एरर के क्वेश्चंस में नज़र आते हैं। थ्री टाइम MLA, तीन बार के MLA, थ्री के बाद में टाइम्स आना चाहिए था पहले तो, क्योंकि थ्री है तो मोर देन वन, वेन एवर वी टॉक अबाउट डेफिनेटली वी हैव टू चेंज द वर्ड इनटू प्लूरल। बट एक्चुअली बिकॉज ऑफ हाइफन, बिकॉज ऑफ दिस साइन, दिस नाउन हैज़ बिकम हाइफेनेटेड नाउन, एंड विद हाइफेनेटेड नाउन वी डू नॉट यूज प्लूरल नाउन्स, सो थ्री टाइम दिस शुड बी पुट इन ओनली सिंगुलर, टाइम्स नहीं आएगा। अगर ये हाइफन नहीं हो तो एक अलग बात है, लेकिन हाइफन जहां लग जाता है वहां पे टाइम ही आएगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा, फ्रैक्शन नंबर होता, भिन्न संख्या होती, टू थर्ड्स होता, थ्री फोर्थ्स होता और हाइफन होता, तो वहां पे फिर आप प्लूरल लगा सकते हैं। अगर फ्रैक्शन नंबर हो, भिन्न संख्या हो, तो उस कंडीशन में हाइफन होने पर भी आप प्लूरल पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रैक्शन नंबर नहीं है तो आप सिंगुलर पुट करेंगे। वैसे टाइम के बाद MLA भी है, यही कारण है कि यहाँ पे हाइफन है और टाइम्स नहीं हो सकता। अगर MLA नहीं होता और यहाँ पे टाइम ही होता तो थ्री टाइम्स का यूज़ किया जाता। ओके वेल, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला देखिए, द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, संपूर्ण भारत की जो कांग्रेस कमेटी है, कमेटी की स्पेलिंग बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको सीखनी है, आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। ऑन वेंसडे, बुधवार को, वेंसडे से पहले ऑन का प्रयोग, दिनों के नाम से पहले ऑन का प्रयोग हम करते हैं। अपॉइंटेड सुभाष चोपड़ा, उस कमेटी ने सुभाष चोपड़ा को अपॉइंट किया एज द दिल्ली कांग्रेस चीफ के रूप में अहेड ऑफ द असेंबली इलेक्शंस, विधानसभा चुनावों से पहले। ये तो इसका ट्रांसलेशन है। एक बार फिर से देखिए, संपूर्ण भारतीय जो कांग्रेस कमेटी है उसको, उसने बुधवार को सुभाष चोपड़ा को दिल्ली कांग्रेस का चीफ नियुक्त किया है असेंबली इलेक्शन से पहले। सीखना आपको यह है कि अहेड के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है। अहेड ऑफ का मतलब है किसी चीज़ से पहले, उससे आगे, तो असेंबली इलेक्शन से आगे, उससे पहले ही ऐसा नियुक्त कर दिया है। तो यहाँ फिक्स प्रेपोजिशन का एक और प्रश्न आते हुए, एक हमने देखा रेफर के साथ में टू लगता है, यहाँ एक बात और सीखने को थी कि अहेड के साथ में ऑफ लगता है। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट। द यूनिवर्सिटी हैड इश्यूड शो कॉज नोटिसेज, शो कॉज नोटिसेज का मतलब होता है कारण बताओ नोटिस। यूनिवर्सिटी ने इश्यू कर दिए थे, पास्ट की बात है। शो कॉज नोटिसेज किन को, पांच स्टूडेंट्स को, किसके लिए,
फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अलाउिंग ऑन एन इजरायली पार्टिसिपेंट. फॉर प्रोटेस्टिंग किसके लिए, कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट अलाउिंग एन इजरायली पार्टिसिपेंट एट एन इवेंट, कि यूनिवर्सिटी ने एक इजरायली पार्टिसिपेंट था, इजराइल का एक व्यक्ति था, उसको मतलब स्टूडेंट को अलाउ कर दिया था एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसके खिलाफ 5 स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, इसलिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है ऑन द कैंपस कैंपस में, बट नोटिसेज वर विदड्रॉन आफ्टर द स्टूडेंट सबमिटेड देयर रेस्पॉन्स. लेकिन नोटिसेज को विदड्रॉ कर लिया गया, विदड्रॉन विदड्रॉ की थर्ड फॉर्म है, वर विदड्रॉन पैसिव स्ट्रक्चर है, लेकिन नोटिसेज को विदड्रॉ कर लिया गया, वापस ले लिया गया आफ्टर द स्टूडेंट सबमिटेड देयर रेस्पॉन्स, स्टूडेंट्स के अपने रेस्पॉन्सेज को अपने उत्तर देने के बाद, कारण बताने के बाद इस इन नोटिसेज को वापस ले लिया गया. यहां मैं दो रूल्स आपको बताऊंगा. पहला रूल है कि यूनिवर्सिटी से पहले दे का प्रयोग हम करते हैं, तो ये दे का प्रयोग है. लेकिन आप सोचेंगे कि काफी सारा नाम आप पढ़ते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दे नहीं है, राजस्थान यूनिवर्सिटी दे नहीं है, हरियाणा यूनिवर्सिटी दे नहीं है. उसका कारण ये है कि जब नाम दिया हुआ होता यूनिवर्सिटी से पहले, चाहे फिर वो आप किसी स्थान का नाम माने या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो, तो फिर आप दे नहीं लगाएंगे. लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान होता है, द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, द यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, इस प्रकार से हम नोट करते हैं, है ना. यूनिवर्सिटी पहले आ जाए तो दे का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम दे का प्रयोग नहीं करेंगे. एक और बात जो हमें यहाँ पे बतानी है वो ये है कि देखिए, ऑन द कैंपस होता है, इन द कैंपस नहीं होता. कैंपस के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं, स्ट्रीट होता है तो भी ऑन का प्रयोग करते हैं. तो ये भी आप कुछ खास याद रखें, ये भी एक फिक्स्ड फ्रेज. मान लीजिए कैंपस में है तो ऑन द कैंपस, हमें लगता है कैंपस में है, सराउंडेड है, तो इन का प्रयोग कर दें, लेकिन कैंपस के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं, स्ट्रीट के लिए भी ऑन लगाते हैं. एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा इसका ट्रांसलेशन को, ताकि आपको समझ में आए कि क्या हमने पढ़ा. तो यूनिवर्सिटी ने 5 स्टूडेंट्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. कारण ये था कि इन स्टूडेंट्स ने एक इजरायली पार्टिसिपेंट को अलाउ किए जाने के खिलाफ विरोध किया था, लेकिन नोटिसेज को वापस ले लिया गया जब स्टूडेंट्स ने अपने रेस्पॉन्स सबमिट करवा दिए थे. अगली स्लाइड देखिए. नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन वेंसडे कॉन्ग्रेचुलेटेड द पीपल. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वेंसडे को बधाई दी लोगों को ऑफ दिल्ली, दिल्ली के, एंड थैंक द सेंटर, और सेंटर को धन्यवाद दिया फॉर क्लियरिंग हिज गवर्नमेंट प्रपोजल, कि सरकार ने उनकी सरकार के प्रपोजल को, केंद्र सरकार ने उनकी सरकार के प्रपोजल को टू स्वीकार कर लिया, क्लियर कर दिया. किसके लिए, टू रेगुलराइज 1797 अनऑथराइज कॉलोनीज इन द सिटी. जो 1797 अनाधिकृत कॉलोनीज थी सिटी में, उनको रेगुलराइज करने के लिए, उनको नियमन करने के लिए. यहाँ जो ग्रामर का रूल है वो बता दूँ मैं आपको, फिर आपको फिर से इसको ट्रांसलेट करके बताऊँगा क्या पूरा यहाँ पे मुद्दा है. यहाँ बात ये है कि कॉन्ग्रेचुलेट जब लगता है तो उसके साथ दो चीज़ें हम लगाते हैं, या तो ऑन या फोर. फोर कब लगाते हैं ये समझ जाइए, दूसरा पक्ष अपने आप समझ जाएंगे आप. फोर तब लगाते हैं जब आगे जेरेंड होता है, फोर तब लगाते हैं जब आगे ING होता है. तो यहाँ देखिएगा कि कॉन्ग्रेचुलेट किया किसके लिए, किसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्लियर करने के लिए. ये देखिए क्लियरिंग, तो ING है, इसलिए यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट के लिए फोर का प्रयोग है. आप सोचेंगे कि इतना दूर कैसे है, तो जिस किसी के लिए बधाई दी है, जिस कारण से बधाई दी है, उसके लिए फोर लगेगा अगर ING है तो, अन्यथा हम लगाएंगे ऑन. ठीक है, तो ये एक नया पॉइंट प्रेपोजिशन से ही था, याद रखिएगा प्रेपोजिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको मैं फिर से ट्रांसलेट कर दूं, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कॉन्ग्रेचुलेट किया दिल्ली के लोगों को और धन्यवाद दिया सेंटर का, केंद्र सरकार का, कि उन्होंने गवर्नमेंट के प्रपोजल को स्वीकार किया था, 1797 जो अनाधिकृत कॉलोनीज थी उनके नियमन करने को स्वीकार कर दिया था. अगला स्लाइड है, द चीफ मिनिस्टर सेड, मुख्यमंत्री ने कहा दैट द गवर्नमेंट वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रीज ऑफ 40 लाख पीपल विद इन अ मंथ. क्या कहा चीफ मिनिस्टर ने, कहा कि गवर्नमेंट वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ, गवर्नमेंट को विश्वास था, किस चीज़ का विश्वास था, कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रीज ऑफ 40 लाख पीपल विद इन अ मंथ, कि एक महीने के अंदर अंदर 40 लाख लोग रजिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे, ऐसा विश्वास था. ये तो ट्रांसलेशन है इसका, तो एक बार ट्रांसलेट फिर से कर दूं मैं इसको, कि मुख्यमंत्री ने कहा कि गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट थी, गवर्नमेंट को विश्वास था, 40 लाख लोगों की रजिस्ट्री को एक महीने में पूरा करने का विश्वास था. यहाँ पे सीखने योग्य बात यह है कि कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं, और कॉन्फिडेंट में जब ऑफ लगता है, प्रपोजिशन लग गया तो ING लगेगा. तो फिक्स प्रपोजिशन की यहाँ पे बात है, जैसे रेफर के साथ टू हमने लगाया था, वैसे ही कॉन्फिडेंट के साथ में ऑफ का प्रयोग करना होता है, ये बात आप नोट कर सकते हैं. और लास्ट रूल हम जो सीखेंगे लास्ट स्लाइड में, वो है देखिए, इन एन एफर्ट टू रिवाइव द बिलीगर्ड स्टेट ऑन टेलीकॉम फर्म्स BSNL MTNL. पहले आप सीखिए कि क्या चीज़ है. बिलीगर्ड का मतलब मुसीबतों से भरा, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स. इन एन एफर्ट, इन का मतलब में, एन एफर्ट एक प्रयास, टू रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है रीएक्टिवेट करना, फिर से एनर्जाइज करना.
तो जो मुसीबत से भरा स्टेट ओन्ड राज्य के स्वामित्व वाले टेलीकॉम फर्म्स हैं, BSNL और MTNL, दो फर्म्स की बात हैं जो स्टेट के द्वारा ओन किया जाता है, तो उनको रिवाइव करने के लिए, ये मुसीबत में भरी हैं, मुश्किलों में आ रही हैं, द यूनियन कैबिनेट केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑन वेंसडे को अप्रूव कर दिया, स्वीकार कर लिया अ पैकेज वर्थ नियरली 70,000 करोड़। एक पैकेज स्वीकार किया है लगभग 70,000 करोड़ का। एक बार फिर सुनिए कि BSNL और MTNL जो कि स्टेट ओन्ड फर्म्स हैं, ये बिलीगढ़ हैं, मुसीबत में हैं, इनको रिवाइव करने के लिए यूनियन कैबिनेट ने वेंसडे को एक अप्रूवल दिया है एक पैकेज का लगभग 70,000 करोड़ का। यहाँ सीखने के लिए ये था कि जब नाउन से पहले, जैसे कि यहाँ टेलीकॉम फर्म्स नाउन है, इनसे पहले जब आप एडजेक्टिव लगाने की कोशिश करते हैं, जब आप वर्ब को एडजेक्टिव में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, तो उसको थर्ड फॉर्म या ING रूप में ले सकते हैं। तो बिलीगढ़ देखिए थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अगर कंटिन्यूस प्रोसेस में दर्शाना हो तो फिर आप ING रूप में भी ले सकते थे, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, वरना वो होता प्रेजेंट पार्टिसिपल जब ING फॉर्म लगाते। तो किसी भी क्रिया को एडजेक्टिव बनाने का तरीका है कि आप उसके थर्ड फॉर्म में रख दें या फिर V0+ING रूप में रख दें। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे सेशन। 10 रूल्स हमने सीखे हैं और डेफिनेटली आपको समझ में भी आ गया होगा। तो जल्दी से आप लाइक करके शेयर करें इस सेशन को और मिलते हैं कल एक नए सेशन में। तब तक नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।